नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अमित सांबरे और आप देख रहे हैं सर्पमित्र अमित सांबरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमें कुछ ही समय पहले एक रेस्क्यू कॉल आया था सावरगांव से। वहाँ पे एक सांप पत्थरों के बीच में व्यक्तियों को दिखा हुआ है। उन व्यक्तियों ने हमें सूचना दी है कि एक सांप बहुत सारे पत्थर रखे हैं उसके बीच में कुछ खाकर फंस चुका है। हम वही सांप को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए और नज़र थमाई रखिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि हिंदी में इसको घेवन के नाम से जाना जाता है, मराठी में इसको नाग नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ खा कर ही बैठ चुका है वहाँ पे। ये फांदी खींचा बड़ा तिकड़ कुराट कुराट तेरी गाड़ी बाजू में दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कुछ खाकर यहाँ बैठ चुका है। अक्सर सांप कुछ खाने के बाद में आराम फरमाने के लिए ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से सांप का जो खाना है वो पच जाए। उनका ही काम है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो एक इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा है। इसने कुछ खा लिया है। अभी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अक्सर सांप ऐसे खाने के बाद में उनको खुद की जान बचाने के लिए और फुर्ताई शरीर में आने के लिए वो अक्सर अपने भोजन को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि उनको भगने में आसानी हो और अपने शिकार पर झपटने की आसानी हो। कौन सा है अंबारी जी? कोबरा है, कोबरा। इसने अपने मांगो धीरज अरे कुत्ते लग रहा है कोना तो मामूजी खा लेना मामूजी लंबा है काला तो शांत है उड़ो बरबर खा खा बाल 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 देखना जी देखना हाथ की तरफ चले चले कोई ना अरे नहीं और बाल्टी ना पूरा चल ले साइड बाल अल्लाह ने ना जैसे कि आप देख सकते हो कि यह अपने मुंह से जो शिकार लिया हुआ था वो वापस निकाल रहा है। Thank you.
अक्सर सांपों को ऐसी हलचल आहट सी आ जाती है, खतरा लग जाता है, तो अपने शरीर के अंदर का जो खाना है वो बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने जो खाई थी चीज वो निकाल ली है। तो दोस्तों अभी हम इसको पैक करने के लिए जा रहे हैं, तो वीडियो देख के बिल्कुल भी आप ऐसी गलती ना कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक्सपर्ट का काम होता है। तक नजर जमाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।